सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर न्यू ईयर। तो आज के डे से अपना जो है वो न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो वो देखो, आज अपना जो चैलेंज है वो काफी बड़ा है। तो $10 से अपने को करने हैं $10,000, $10,000। तो देखो, डे वन आज है, आज से अपना ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे ये अपना जो टारगेट है इतना बड़ा वो अचीव होने वाला है। तो देखो, डे वन से डे 30 अपना जो है वहां तक अपना डे 30 को अपना जो $10,000 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, अपन स्टार्ट करेंगे $10 से, 30% गेन करेंगे पहले डे 25 तक, ठीक है। उसके बाद अपना जो टारगेट है और 10% कर देंगे ताकि रिस्क जो है अपना कम हो जाए। तो देख लो, यहाँ पे डे 26 से अपना जो है 10% गेन होगा पर डे का। और जब अपन स्टार्ट करें आज, तो आज से अपना 30% गेन करेंगे डे 25 तक। तो अपना ओपनिंग बैलेंस जो है वो डिपॉजिट करके रखा हुआ है $10। तो आप आज का 30% के हिसाब से टारगेट जो बनता है वो बनता है अपना $3। तो यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे कोटेक्स के अंदर $10 डिपॉजिट करके रखा है, यानी कि जो भी बचा कुचा अमाउंट था मैंने उसको यहाँ पे $10 रखा है। बाकी का अमाउंट मैंने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो, मनी मैनेजमेंट ये वाला देख लो। तो देखो, $10 इनिशियल कैपिटल अपना है। उसके बाद टोटल ट्रेड जो है वहां पे मैंने तीन टाइप करके रखा है। विन ट्रेड है यहाँ पे एक टाइप कर दिया, यानी कि 30% अपने को गेन करना पड़ेगा। $3 अपना जो है वो आज का प्रॉफिट रहेगा। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है इस सीरीज के थ्रू। आप भी ऐसे ग्रो कर सकते हो। आपको सीरीज पूरा कंप्लीट देखना है, काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अपना जो डिस्प्ले उसको फुल स्क्रीन कर दे ताकि आपको देखने का मजा आ जाए, ठीक है। तो फुल स्क्रीन यहाँ पे कर लेते हैं। अपना जो टारगेट है वो $3 है आज का। तो देखो, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो ट्रेड है वो $1 का रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर रहा हूँ। अभी देखो, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने वाले आज। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर अपन कुछ न्यू ट्राई करेंगे, बट आज जो है वो यहाँ पे $1 का सबसे पहले ट्रेड ले लेते हैं। देखो, लेवल ऑलमोस्ट लगा हुआ है पहले से मेरा, और ट्रेंड लाइन यहाँ से मेरे को दिख रहा था, तो मैंने अप डायरेक्शन के लिए $1 का जो है वो ट्रेड प्लेस कर दिया है। अभी यहां से देख लो, इसको अपन ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। आप लोगों को यहां से दिख जाएगा साफ साफ, एक लेवल अप डायरेक्शन में जा रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने अप के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी ये वाला जो ट्रेड है अपना इजीली आईटीएम तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, सारे लाइव मार्केट खोल के रखे हैं मैंने, यहाँ पे टोटल 5 पेयर खोल दिए, क्योंकि आज बाकी के जो पेयर है वो OTC दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ पे खोल के रखी। आज अपना डेट भी चेक करो, 25 जुलाई है। तो ओके, वेट कर ले, 6 सेकंड बाकी है। अपना जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में दिखा रहा है। अभी देखो, यहाँ से प्रॉफिट जो बनेगा 85 सेंट्स बनेगा, $1 का जो ट्रेड मैंने प्लेस करके रखा है। तो यहाँ से अपना 85 सेंट्स प्रॉफिट बन चुका है। नेक्स्ट ट्रेड एक और अपन लेंगे $1 का, तो वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड था मेरा, जो लेवल पहले का लगा हुआ है उसके मुताबिक, बट यहाँ पे अपन ट्रेड प्लेस नहीं कर पाए। तो कोई और पेयर चेक कर लेते जहाँ पे अपने को ओके, यहाँ पे एक ट्रेड है डाउन डायरेक्शन के लिए, बट एंट्री मेरे को बेटर चाहिए तो ऊपर। ओके, चलो यहीं से प्लेस कर देते हैं। जहाँ पे देख लो, एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, प्लस अपना एक लेवल भी है यहाँ से। तो पैटर्न कौन सा क्रिएट हुआ है देख लो, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट हुआ है एक रेजिस्टेंस लेवल पे। तो उसके हिसाब से मार्केट को जो है वो डाउन डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट मार्केट अपने खिलाफ जा रहा है। तो नेक्स्ट ट्रेड जो है $2 का प्लेस करने वाले। अभी देखो, अपने एक ट्रेड अगर लॉस जाता है तो उसको एज अ मार्टिंगल कवर करेंगे $2 का ट्रेड लगा के। तो यहाँ पे मैं $2 के साथ डाउन डायरेक्शन में प्लेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए प्लेस कर दिया $2 के साथ ट्रेड। अभी ये वाला जो है अपना आईटीएम होना चाहिए, अदरवाइज अपना जो है वो लास्ट ट्रेड बचेगा तीसरा, क्योंकि अपने को तीन में से एक ट्रेड मिनिमम विन करना ही पड़ेगा, तब जाके अपन प्रॉफिटेबल रहेंगे एंड तक। तो पहले 25 डे तक अपना जो है वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, 26 डे जब आएगा तब अपना जो है वो 10% ही गेन करना पड़ेगा। बट अपने को 25 डे तक 30% गेन करना है, तो काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके चलना पड़ेगा। अभी देखो, मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ और अपना ट्रेड नेगेटिव में दिखा रहा है, बट मेरे को होप है कि लास्ट में ये नीचे आ जाएगा, अदरवाइज अपना जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे अपने मार्केट मेरे हिसाब से आ तो रहा है डाउन डायरेक्शन, मतलब फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट जो है वो बार बार ऊपर जा रहा है। तो अपने को उससे डरने की जरूरत है नहीं, अगर एनालाइज परफेक्ट है तो ट्रेड विन हो जाएगा, अदरवाइज लॉस होगा तो भी अपन उसको कवर कर लेंगे। 5 सेकंड बाकी है और अपना जो ट्रेड है वो नेगेटिव में है, ठीक है।
तो अभी देखो सेकंड ट्रेड भी मेरा जा चुका है लॉस, तो अपने को टोटल जो लॉस हुआ है वो होता है $3 का। अपने को अभी नेक्स्ट ट्रेड 100% अमाउंट के साथ जाना पड़ेगा जो कि बनता है $7। ये अपना $3 का लॉस है तो उसको कवर करने के लिए टोटल 6 और प्लस $1 लगा देते हैं, तो टोटल $7 का अपना जो अपना ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे अभी लेवल इस जगह पे है, इस जगह देखो एकदम परफेक्ट लेवल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जो अपना रेजिस्टेंस लेवल एज अ सपोर्ट लेवल था वही लेवल रेजिस्टेंस बन चुका है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल इसको मान सकते हैं। अभी देखो ट्रेंड लाइन अगर बनता है तो ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करूंगा, मैं इसी पेयर में ट्रेड प्लेस करूंगा कि जहां पे लॉस किया है वहां पे कवर करके इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड लाइन भी प्लेस कर देते ताकि अपने को एग्जैक्ट एरिया पता चले कि कहाँ से सेलर का जो एंट्री होने वाला है। तो देखो इतना डीप आपको नॉलेज यहाँ से फ्री में मिल रहा है तो काफी सीखो और आप भी ऐसे अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे ओके, तो रिजेक्शन तो मार्केट ने ले लिया है बट देखो गैप छूट गया है, तो अभी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन ट्रेंड लाइन लगाते अच्छे से, उसके बाद ही ट्रेड लगाऊंगा। तो अभी देख लो जो भी गैप छूटा है उसको कवर होने देते हैं, देन उसके बाद अपन ट्रेड प्लेस करेंगे। तो परफेक्ट उसी जगह पे अपना ट्रेंड लाइन आ रहा है, पीछे की तरफ देख लो ये वाला, और यहाँ पे दो तीन रेड ग्रीन कैंडल जनरेट हुआ है, तो उसको यहाँ पे अपन ठीक से प्लेस नहीं कर पाए। तो देख लो यहाँ पे मार्केट जो है वो अपने लेवल से रिजेक्शन खा रहा है, अगर ये कैंडल इस गैप को फिल कर ले रहा है तो देन में नेक्स्ट जो कैंडल है वहां पे डाउन डायरेक्शन के लिए इजीली जा सकता हूँ, बट अभी प्लेस नहीं कर रहा। देख लो कैंडल जब तक खत्म ना हो अपने को डिसीजन नहीं लेना है, तब तक पेयर चेंज कर लो। यहाँ से देख लेते जही जहाँ पे बेटर एंट्री अपने को मिलेगा ट्रेड वहीं पे प्लेस करना है, क्योंकि रिस्क अपने को लेना है नहीं, क्योंकि अपना जो है वो लास्ट ट्रेड है। यहाँ पे एक लेवल जनरेट हुआ है और वी पैटर्न की तरह, बट लगता नहीं कि यहाँ पे एंट्री मेरे को मिलेगा। ऑलमोस्ट मार्केट ने ग्रीन कैंडल जनरेट कर दिया, बट मेरे हिसाब से जो नीचे गैप गैप छूटा है उस हिसाब से मार्केट को अभी डाउन की तरफ आना चाहिए, तो ना कि ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं डाउन के लिए प्लेस करने वाला, ओके डाउन के लिए चले जा रहे हैं। देखो डाउन के लिए क्यों गया, ऑलमोस्ट कैंडल तो ग्रीन बन ही गया ठीक है, बट मैंने जैसे बोला कि मार्केट को गैप फिल करना पड़ेगा तो उसी लिए मार्केट जो है वो डाउन के लिए आएगा। देख लो यहाँ पे जो मैंने ब्लू लाइन लगा रखा है अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ना कि कोई हल्का फुल्का लेवल है। देखो पीछे भी दो टच यहाँ पे दे रखा है और मार्केट ने ज्यादा सपोर्ट लिया, वहीं पे मार्केट एक उल्टा वी पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और क्रिएट देखो हुआ नहीं है पूरा। जैसे मैंने बोला कि ये अपना जो छोटा गैप छोटा एक कैंडल का गैप है उसको फिल करने के लिए मार्केट को डाउन आना ही था, और अपने को कहाँ पे एंट्री मिला देख लो, काफी ज्यादा ऊपर एंट्री मिला डाउन डायरेक्शन के, तो इजीली मैंने इसको विन कर लिया। तो अभी यहाँ से $1 यहाँ पे टाइप कर दो, तो देखो यहाँ पे अगर देखो तो $13 अपना हो जो है, यानी कि टारगेट अपना जो था $3 का। तो अभी एक बार लीडर बोर्ड भी शो करा देता हूँ कितना प्रॉफिट आज का बन चुका है, तो सक्सेसफुल $3.66 प्रॉफिट बना चुके हैं, तो आज का अपना जो टारगेट है वो डन हो चुका है। तो थोड़ा रिस्क आज हो गया था बट अपन अभी वीडियो को स्टॉप करेंगे, क्योंकि ज्यादा ट्रेड करेंगे नहीं, टारगेट जो है वो मैंने गेन कर लिया है। अभी जैसे कि टारगेट गेन हो चुका है तो अपन क्या करेंगे, अपना जो मेन एक्सेल शीट है जहाँ पे अपनी प्लानिंग पूरी बना रखी है, तो यहाँ पे Day 1 जो है उसको अपन ग्रीन कलर में कर देते हैं ताकि अपना अपने को हिसाब पता चले ठीक है। तो अभी कल आएगा Day 2 का वीडियो, $13 के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, 30% गेन करना है कल भी, और $4 अपना घर का जो है वो टारगेट रहेगा। तो आज का वीडियो एंड कर दे, जिसको भी ये वाला एक्सेल शीट चाहिए वो मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अपना जिसको अपना लॉस रिकवर करना है अगर बाइनरी में लॉस कर चुकी हो बहुत बड़ा हो तो भी चल जाएगा, सारा लॉस आप इजिली रिकवर कर सकते हो। हमारे जो सक्सेस ग्रुप मैंने बना रखा है, जब आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे मैंने पिन करके रखा है एक मैसेज, आपको उसको रीड करना है, सबसे पहले देखना है मैंने क्या लिखा है। कुछ भी डाउट हो तो पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे मेरा यूजर नेम भी टाइप कर मैंने करके रखा है, नीचे भी दे रखा है, प्लस आप कॉमेंट में भी पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, अगर कोई बंदा लॉस में है तो उसके साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना, कैसे छोटे अमाउंट को ग्रो किया जा सकता है, बस आप में पेशेंस लेवल होना चाहिए। जैसे ही हमने दो ट्रेड बैक टू बैक लॉस होने के बाद तीसरा अपना लास्ट जो ट्रेड था उसके लिए हमने अच्छे से एनालाइज किया, ध्यान ट्रेड किया और विन इजीली कर लिया। तो करते हैं आज का वीडियो एंड, आप इस सीरीज में अच्छा खासा सपोर्ट दिखाना, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट रखा है,
$10 से $10,000 बनाना इजी बात है नहीं, तो इसी बात पे आप सपोर्ट दिखाना। तो आज का वीडियो करते हैं एंड मिलते कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।